सो okay. so, मेरा नाम अजिंक्य सोड़ुके है माय नेम इज अजिंक्य सोड़ुके एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स हिस्ट्री जोग्रफी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर तो काफी ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं ठीक है लेकिन लेटस फगेट अबाउट दैट जस्ट रिमेम्बर मेम दैट इज माई नेम इज अजिंक एंड लेटे स्टार्ट विद आवर टॉपिक तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो सो लेटस स्टार्ट विद आवर टॉपिक ठीक है चलिए ओके हेलो हाय तो कुछ शुरू करते हैं आपके पास कुल मिला के एक मिनट होगा टू आंसर एवरी क्वेश्चन तो क्या करेंगे एक क्लॉक वर्क के जैसे हम लोग करेंगे इसको मतलब आपके सामने क्वेश्चन आएगा आपको एक मिनट होगा इसका आंसर करने के लिए और आप चैट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं इसका अगर आपको उसका आंसर आता है तो ठीक और अगर सपोलेट से अगर गलत भी होता है तो विल एक्सप्लेन लेकिन क्वेश्चन का आंसर आपको करना है ठीक है चलिए सो लेट अस स्टार्ट आपका पहला क्वेश्चन शुरू हो रहा है और आपका एक मिनट शुरू रहेगा एक मिनट के अंदर आपको आंसर बताना है आई विल नॉट से एनीथिंग ये टेस्ट की जैसे हम लोग करेंगे इसको सो so दैट आपको डिस्टरबेंस ना हो और आप उसका आंसर प्रॉपरली दे सकें तो एक मिनट तक आपके पास समय रहेगा आप सोचें आंसर दें उसमें चैट बॉक्स में लिखें एंड uh, तब तक आप से यू कैन ट्राई नंबर ऑफ टाइम्स आप देख सकते हैं अगर आपने लेसन नहीं पढ़ा है तो आप बुक भी देख सकते हैं अगर बहुत कंफ्यूज हो रहा है तो सो ऑल द बेस्ट फॉर द क्विज एंड शुरू करते हैं ठीक है एक मिनट होगा एक मिनट के बाद मैं आंसर बताऊंगा आपको हर एक हर एक क्वेश्चन के लिए एक मिनट होगा तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन आपका समय शुरू हो चुका है एक मिनट है एक मिनट के आंसर लेट से अंदर आंसर, आपको आंसर देना है उसका ओके okay, आपका समय खत्म हो चुका question. Question है लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन है फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो पिक द आइटम दैट इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स नेचुरल रिसोर्स कौन सा नहीं है नेचर कौन सा नहीं बनाता है ये नेचर बनाता है वाटर भी नेचर ही है नेचर ने बनाया एयर भी नेचर है ये आर्टिफिशियल है ये लोग हम लोग बनाता है दिस इज अ आर्टिफिशियल रिसोर्स ये आर्टिफिशियल है आंसर इज गोइंग टू बी सी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास एक मिनट है एक मिनट के अंदर आंसर करना है इस क्वेश्चन का आपका समय शुरू हो चुका है तो कृपया कर आंसर दे ओके okay, आपका समय खत्म हो चुका है लेट अस सी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन द मोस्ट रैपिडली ड्विंडिंग नेचुरल रिसोर्स इन द वर्ल्ड इज मतलब सबसे ज्यादा लेट्स से स्पीड से खत्म होने वाला रिसोर्स वर्ल्ड के अंदर कौन सा है वाटर ऑब्वियसली नहीं पूरा वर्ल्ड अपना वाटर से भरा हुआ है फॉरेस्ट यस फॉरेस्ट बहुत जल्दी खत्म हो रहा है विंड वो तो मतलब वर्ल्ड पे सब तरफ है सनलाइट वो भी सपोज खत्म होने वालों में से नहीं है दिस इज वन ऑफ द रिसोर्स की जो बहुत ही तेजी से खत्म हो रहा है एडविंडलिंग रेट है बहुत ही रैपिड एडविंडलिंग नेचुरल रिसोर्स सो आंसर इज फॉरेस्ट चलिए थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं लेट स्टार्ट द टाइम ओके आपका समय शुरू हो चुका है आंसर दे आपका समय खत्म हो चुका है मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स इज दैट इट इज अ सब्सटेंस और कमोडिटी दैट इज तो आपको डेफिनेशन पूछ रहे हैं नेचुरल रिसोर्स की आपको खाली फाइंड आउट करना है इसमें का कौन सा है प्रेजेंट ओनली ऑन लैंड तो नेचुरल रिसोर्स सिर्फ लैंड पे नहीं रहता राइट right? पानी के अंदर भी रहता अ गिफ्ट ऑफ नेचर व्हिच इज वेरी यूजफुल टू मैनकाइंड ओके तो ये गिफ्ट ऑफ नेचर है कि जो मैनकाइंड के लिए काफी फायदेमंद है मैनमेड सब्सटेंसुर है अवेलेबल ओनली इन दॉरेस्ट सिर्फ फॉरेस्ट में नहीं बहुत सारी जगह पे अवेलेबल है नेचुरल रिसोर्सेस सो आंसर इज बी गिफ्ट ऑफ नेचर विच इज यूजफुल्यूमन काइंड मैन काइंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेट एस स्टार्ट दाइम शुरू करते हैं आपका एक मिनट शुरू होता है अब ओके okay, आपका समय खत्म हो चुका है लेट अस सी द आंसर द मेन कॉज ऑफ एबेंडेड कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया इन द रिवर गंगा इज तो ये बहुत ही सपोज अगर बैक्टीरिया का प्रेजेंस है रिवर गंगा के अंदर दैट इज कॉलीफॉर्म वो क्यों है मेन कॉज क्या है उसके पीछे डिस्पोजल ऑफ अनबर्न कॉप्सिस इनटू टू दॉटर डिस्चार्ज ऑफ एफ्लुएंट फ्रॉम इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स इमर्शन ऑफ एशिश तो इसके अंदर से कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से ऐसा होता है तो दैट इज नथिंग बट ड्यू टू डिस्पोजल ऑफ अनबर्न कॉप्स इन टू द वॉटर सो दैट इज एज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका समय शुरू हो रहा है अब थोड़ा सोच के आंसर देना ओके okay, आपका समय खत्म हो चुका है पी एच ऑफ द वॉटर कलेक्टेड फ्रॉवर वॉ साउंड इन थ्री टू दॉटर इन टू द रिवरिंगज फॉर द लोवरिंग ऑफ रिवर वॉटर तो वो क्या बोल रहे हैं एक रिवर वॉटर है मतलब रिवर है उसके अंदर का जो पानी है उसका पीएच बहुत ही कम हो गया एसिडिक हो गया To मतलब कैसा है? Acidic है। अब वो आप अपने को ये पूछ रहे हैं अगर वो एसिडिक है तो ऐसा क्या वहां पे कौन सी फैक्ट्री होंगी जिसकी वजह से ये हो रहा है सोप एंड डिटर्जेंट फैक्ट्री लीड बैटरी मैनुफैक्चरिंग फैक्ट्री देन प्लास्टिक कप मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री एंड अल्कोहल डिस्टिलरी तो इसमें से ऐसा कौन सा होगा जिसकी वजह से एसिडिक हो रहा है तो ये उस इंडस्ट्री की वजह से होगा जिसके अंदर कोई एसिड यूज कर रहे किए जा रहे हैं और वैसा कौन सा इंडस्ट्री है बैटरी इंडस्ट्री सो तो आंसर क्या रहेगा बी लेड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री इसी के अंदर आपका सपोज वो एसिड यूज किए जाते होंगे जिसकी वजह से वो पानी में छोड़े जा रहे होंगे एंड पानी का रिवर का जो पी है वो कम हो रहा होगा दैट इज थ्री पॉइंट टू फोर तो चलिए आगे बढ़ते हैं आपका समय शुरू हो रहा है अब एक मिनट रहेगा आपको ऑब्वियसली हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सो वन में स्टार्टेड नाउ आपको लेट सम, से समय का ध्यान में रखना कि हर एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ एक ही मिनट है आपके पास आपका समय खत्म हो चुका है लेट अस सी द एच रेंज मोस्ट कंडसिव फॉर द लेव लाइफ ऑफ फ्रेश वाटर प्लांट्स एंड एनिमल्स तो क्या पूछ रहे हैं पीएच रेंज आपको पूछ रहे हैं अगर फ्रेश वाटर प्लांट्स एंड एनिमल्स की अगर बात कर रहे हैं तो वो कौन से पीएच रेंज में जिंदा रह सकता है तो 6.5 टू 7.5, 2.0 टू 3.5, 3.5 टू 5.0, 9.0 टू 10.5 तो पीएच रेंज जनरली कैसी होनी चाहिए थोड़ी बहुत न्यूट्रल स्टेट पे बहुत ज्यादा बेसिक भी नहीं बहुत ज्यादा एसिडिक भी नहीं एंड ऐसा इसमें रेंज कौन सा है ये तो बहुत ही एसिडिक है ये एसिडिक है सात के नीचे है ना एसिडिक है नाइन टू नाइन टेन पॉइंट फाइव बेसिक ओके तो फिर एक ही ऑप्शन बच जाता है ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल स्टेट पे सो आंसर इज ए स्लाइटली एसिडिक है 6.5 ठीक है, लेकिन इट्स परमिसेबल रेंज 6.5 7.5. आंसर इज ए चलिए एक नया क्वेश्चन शुरू करते हैं आपके पास एक मिनट है आंसर देना एक मिनट के अंदर आंसर देना है आपको इस क्वेश्चन का ओके okay. आपका समय खत्म हो चुका है

डी ऑप्शन रिड्यूस रिसाइकल रीयूज चले लेट स्टार्ट विद्यू क्वेश्चन आपका समय शुरू हो रहा है अब एक मिनट के अंदर आपको आंसर करना है उसका

करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा चलो तो एक एक शुरू करते हैं बराबर कौन सा है टू द द डिफरेंट ऑफ फ्लोरा एंड प्रेजेंट इन एरिया ये तो सही है बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है अलग अलग प्लांट्स एंड एनिमल्स उसके अलग अलग इन अ पर्टिकुलर एरिया बायोडाइवर्सिटी रेफर्स ओनली टू द फ्लोरा सिर्फ प्लांट्स के बारे में नहीं रहता हो एनिमल्स के बारे में भी होता है बायोडाइवर्सिटी इज ग्रेटर इन अ फॉरेस्ट फॉरेस्ट के अंदर ज्यादा रहती है ये तो सही बात है Biodiversity refers to the total number of individuals of a particular species. Particular species का कहाँ रहता है? Biodiversity तो total रहता है ना? Okay, so obviously this is a wrong statement. So first and third is correct. First and third वाला कौन सा option है? C. तो C वाला होगा. चलिए एक नया question शुरू करते हैं. आपके पास एक minute होगा. एक minute के अंदर आपको answer करना है उसको. चलिए, so let us start. एक मिनट के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है ओके okay, समय बिलो है, uh, है तो करेक्ट स्टेटमेंट डेवलपमेंट के तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट चाहिए कि इनकरेक्ट चाहिए करेक्ट चाहिए प्लांट ग्रोथ विद मिनिमम डैमेज टू द एन्मेंट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट हां बराबर है प्लांट ग्रोथ विद मिनिमम डैमेज टू द एनवायरमेंट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट

आपके पास एक मिनट है एक मिनट के अंदर आंसर करना है आपको

आप अगर एक ही प्लांट अगर लगा रहे हो एक ही स्पीसीज एक ही प्लांट का स्पीसीज पूरे फॉरेस्ट को गायब कर रहे हो पूरे फॉरेस्ट में अलग अलग प्लांट्स होते हैं तो वहां पे बायोडाइवर्सिटी होती है लेकिन अगर आप उसमें का एक पूरा फॉरेस्ट क्लियर करके सिर्फ एक ही प्लांट लगा रहे हो एक ही स्पीसीज है उसकी तो दैट इज कॉल्ड एज मोनोकल्चर मोनोकल्चर इन दैट एरिया मोनोकल्चर बढ़ेगा बायोडाइवर्सिटी नहीं सो आंसर वुड बी बी चलिए लेट अस स्टार्ट विद न्यू क्वेश्चन आपका समय शुरू हो रहा है अब

लास्ट वाला क्योंकि पहले इसमें सिर्फ एनिमल्स को प्रोडक्ट किया जा रहा है सेकंड इसमें सिर्फ कंज्यूमर्स को थर्ड इसमें हर भी को लेकिन डी में सबको तो आंसर इज डी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं आपके पास एक मिनट है आंसर देना है इस क्वेश्चन का एक मिनट के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है

कट डाउन ये भी गलत है इग्नोर भी गलत है आंसर क्या फॉरेस्ट so के उन्हीं लोगों को इंक्लूड करो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट क्योंकि वही वो उनका ज्यादा उसमें इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली दे प्रोटेक्ट अंडर एनी सरकमस्ट चलिए एक नया क्वेश्चन देखते हैं अभी एक मिनट है आपके पास आंसर करना है इसका आपके पास सिर्फ एक मिनट है क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपका समय खत्म हो चुका है लेटस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन In our country, there are are attempts to increase the 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 height of 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 several existing dams dams like Tehri, across Narmada. Choose the correct statement among the following that are consequence of raising the heights of so, क्या होता है बहुत सारी जगह पे हमारे इंडिया के अंदर डैम्स का हाइट रेज करने के लिए बोला जा रहा है, so, उसके कुछ issues, कुछ है तो उसके रिगार्डिंग कुछ इश्यूज कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन से है रिगार्डिंग दिस आपको आइडेंटिफाई करना है सो टेरिस्ट्रियल फ्लो एंड फाउन ऑफ द एरिया इज डिस्ट्रॉइड कम्पलीटली

चलिए लेट अस स्टार्ट विद अ न्यू क्वेश्चन आपके पास एक मिनट रहेगा टू तो आंसर दस

आपके पास एक मिनट है टू आंसर दिस क्वेश्चन ओके okay, आपका समय खत्म हो चुका है लेट अस सी द द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सेलेक्ट इनकरेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट स्टेटमेंट कौन सा इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज लिंक टू एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इज लिंक ऑब्वियस इट्स अ रॉन्ग ये कैसा स्टेटमेंट है इनकरेक्ट चाहिए अपने को हां तो ये तो बराबर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनकरेजेस डेवलपमेंट फॉर करंट जनरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन ये भी सही है

ओके okay, आपका समय खत्म हो चुका है लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स क्या मैंगो ट्री नेचुरल है यस yes, नेचुरल है uh, स्नेक नेचुरल है विंड नेचुरल है वुडन वुडन हाउस आर्टिफिशियल है हम बनाते हैं आर्टिफिशियल मैन मेड सो आंसर क्या रहेगा डी डी इज द आंसर चलिए न्यू क्वेश्चन आपके पास एक मिनट रहेगा एक मिनट के अंदर आप उस क्वेश्चन का आंसर करना है ओके okay, आपका समय खत्म हो चुका है सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट कौन सा इसमें okay, तो इसमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है पानी कंजर्व करता है क्या से पानी कंजर्व हो जाता है फॉरेस्ट से ऑब्वियसली यस राइट करेक्ट है फॉरेस्ट डू नॉट कंजर्व सॉइल सॉइल को तो कंजर्व करते ना वो ओके स्टेटमेंट। फॉरेस्ट हैव ग्रेटर प्लांट यस। बायोडाइवर्सिटी बहुत रहती है बहुत सारे स्पीसीज रहते हैं फॉरेस्ट प्रोवाइड्स वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, दैट इज आल्सो ट्रू तो उसमें का जो आंसर है हमको चाहिए वो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो कौन सा है सी ऑप्शन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अस स्टार्ट आपका शुरू हो चुका है आंसर करें ओके okay. आपका समय खत्म हो चुका है लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अरबारी फॉरेस्ट ऑफ बंगाल इज डोमिनेटेड बाय तो बंगाल का जो अरबारी फॉरेस्ट है उसके अंदर क्या ज्यादा है टिक साल बांबू मैंग्रोव इसमें से सबसे ज्यादा उसके अंदर क्या है साल साल फॉरेस्ट के लिए फेमस है अरबारी फॉरेस्ट बेसिकली साल है वहां पे साल के ट्रीज चलिए लेट अस स्टार्ट विद अ न्यू क्वेश्चन 1 मिनट है आपके पास आंसर करना ओके okay, आपका समय खत्म हो चुका है लेट अस सी द आंसर फॉर द क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर आपको सबको अस से दिया गया है द डिटेल्स अब यहाँ पर है ग्राउंड वाटर विल नॉट बी डिप्लीटेड ड्यू टू ग्राउंड वाटर डिप्लीट क्यों नहीं होगा मतलब सपोज इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन जिसमें से ग्राउंड वाटर डिप्लीट नहीं होगा अब फॉरेस्टेशन से नहीं पानी उल्टा बढ़ेगा ना ओके सो okay, so, ये कैनोट बी से विल नॉट बी डिप्लीटेड मतलब खत्म नहीं होगा बोल रहे हैं अब फॉरेस्टेशन तो बढ़ेगा ओके okay, तो ऑब्वियसली यही आंसर होगा थर्मल पावर प्लांट से क्या होगा डिप्लीट होगा uh, फिर लॉस ऑफ फॉरेस्ट से भी डिक्रीज होगा क्रॉप क्रॉपिंग ऑफ वाटर डिमांडिंग क्रॉप वो तो ज्यादा पानी खाएंगे तो ग्राउंड वाटर और कम होगा तो किससे डिप्लीट नहीं होगा इसमें से फॉरेस्ट्रेशन के थ्रू आंसर इज ए चलिए न्यू क्वेश्चन एक मिनट है आपके पास एक मिनट के अंदर आंसर करना है ओके, okay. सो so, एक मिनट के अंदर आंसर करना है आपको इस क्वेश्चन का अपोजिशन टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स इज ड्यू टू तो लार्ज डैम्स के कंस्ट्रक्शन के लिए अपोजिशन क्यों होता है वॉट इज द रीजन बिहाइंड इट सो इट इज सोशल रीजन हाँ इकोनॉमिक रीजन हाँ है एनवायरमेंटल हाँ वो भी है तो सभी फिर होंगे फिर ऑल ऑफ दब आंसर इज ऑल ऑफ चलिए न्यू क्वेश्चन एक मिनट है आपके पास ओके okay, आपके पास एक मिनट आपका खत्म हो रहा है जल्दी से आंसर करें ओके okay, आपका समय खत्म हो चुका है अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं करते थे खादी आहार ये वही है वाटर कंजर्वेशन वाटर हार्वेस्टिंग वाले फैसिलिटीज सो सी ऑप्शन चलिए एक मिनट है आपके पास एक मिनट के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको आपका एक मिनट खत्म हो रहा है जल्दी से आंसर करें चलिए आंसर देखते हैं इस क्वेश्चन का पिक आउट द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ द टर्म विच हैज नो फॉसिल फ्यूल फॉसिल फ्यूल नहीं है ऐसा इसमें से कौन सा राइट right कॉम्बिनेशन आपको फाइंड आउट करना तो चलिए देखते हैं विंड ओशन कोल कोल तो है केरोसिन विंड टाइड केरोसिन भी है विंड वुड सन ओके ठीक है तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है वैसा मतलब तो फॉसिल फ्यूल नहीं है पेट्रोलियम वुड सन पेट्रोलियम है तो आंसर क्या रहेगा फिर सी सी वुड बी द ऑप्शन क्योंकि इसके अंदर कोई भी फॉसिल फ्यूल नहीं है चलिए लेट अस स्टार्ट विद अ न्यू क्वेश्चन 1 मिनट है आपके पास 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको उस क्वेश्चन का क्वेश्चन का आंसर करना है आपको वो भी एक मिनट के अंदर चलिए क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं सेलेक्ट द इको फ्रेंडली एक्टिविटी अमंग द फॉलोइंग इसमें से इको फ्रेंडली एक्टिविटी कौन सी है यूजिंग कार फॉर ट्रांसपोर्टेशन यूजिंग पॉलीबैग्स फॉर शॉपिंग यूजिंग डाइज फॉर कलरिंग क्लॉथ यूजिंग विंड मिल्स टू जनरेट पावर फॉर इरीगेशन इको फ्रेंडली एक्टिविटी मतलब एनवायरमेंट को कुछ डैमेज नहीं हो रहा है यूजिंग कार फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑब्वियसली तुम पोल्यूशन कर रहे हो पॉली बैग्स वो तो बताने की जरूरत ही नहीं है डाइज फॉर कलरिंग क्लॉथ आगे इन केमिकल्स का यूसेज तो एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल ये वाला एनवायरमेंट को कोई हार्म नहीं है

फॉर दिस क्वेश्चन इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक चेक डैम्स अक्रॉस द फ्लडेड गलीज बिकॉज फ्लडेड गलीस के अंदर चेक डैम्स हमने क्यों बनाने जरूरी है होल्ड वाटर फॉर इरिगेशन, होल्ड वाटर एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन रिचार्ज ग्राउंड वाटर होल्ड वाटर परमानेंटली ओके तो क्या ऑप्शन इसमें का बराबर है देखो होल्ड वाटर फॉर इरीगेशन दैट इज नॉट वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ठीक है स्मॉल चेक डैम्स का वो एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं होता होल्ड वाटर एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन य मतलब ये आपका पॉइंट बराबर आ रहा है पानी इरिगेशन के लिए ठीक है चलो दैट इज फाइन लेकिन उसके साथ बेसिकली वो किसके लिए यूज करते हैं सॉइल इरोजन ना हो मेनली वो रीजन रहता है रिचार्ज ग्राउंड वाटर हाँ देट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव होल्ड वाटर परमानेंटली परमानेंटली तो रख ही नहीं सकते हो तो ये जो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन है पहला भी बराबर है सेकंड भी बराबर है उसमें सिर्फ क्या है वही so so uh, तो, बोल रहा हूँ मेन ऑब्जेक्टिव इरिगेशन का नहीं होता है मेन ऑब्जेक्टिव अबाउट सॉइल इरोजन वहां पर रहे और ग्राउंड वाटर पानी अंदर जा सके जनरली उसमें वो चलते रहता है पानी फ्लो रहता है सो टेक्निकली इट इज नॉट इवन फॉर इरिगेशन जस्ट टू होल्ड वाटर सो so, ये हमारा हो गया सपोज लेट से ये पर्टिकुलर आ, क्विज आगे अभी हम लोग मे बी शायद कुछ थ्रॉटिकल कॉन्सेप्ट्स देखेंगे ठीक है चलिए फिर तो लेट अस सी सम थ्रॉटिकल कॉन्सेप्ट्स ओके okay. सो so, प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं लेट मी जस्ट टेल यू देखो आ, हमारे पास आ, दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है अगर आप क्लास 9th के लिए है तो क्लास 9th के सब्सक्रिप्शंस ये रहे ठीक है वन मिनट अगर आप क्लास नाइन्थ में से है तो क्लास नाइन्थ के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है अगर आप क्लास अगर आप क्लास टेंथ के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है देखो दिस इज फॉर प्लस ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है और ये आइकॉनिक का रेट है ये प्लस का है ये साइड और ये आइकॉनिक का है मतलब हम मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास नाइन का प्लस के रेट्स क्लास नाइन के आइकॉनिक के रेट क्लास टेंथ के प्लस के रेट्स एंड क्लास टेंथ के आइकॉनिक के रेट ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया अभी देखो इसमें का जो रेट सिस्टम है इट समथिंग लाइक दिस अब जितना बड़ा लोगे जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे तेरह महीने का कितना आ रहा है सपोज से छह महीने का आपको दस हजार पड़ रहा है राइट बारह महीने का देख लो कितना आ रहा है पंद्रह हजार अगर आप छह महीने के हिसाब से दो बार लेते तो कितना होता 10 प्लस है तो बारह महीने का बीस हजार हो जाता लेकिन बारह महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है तो देखो आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास नाइन्थ क्लास टेंथ इलेवें चारों साल का एक साथ ले लो बहुत इजिल आपको नो सस्ते में पड़ जाएगा दैट इज फोर्टी एट मंथ्स तो फोर्टी एट मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू फोर्टी थाउजेंड ठीक है चालीस हजार आपको पड़ जाएगा से द रेट Uh, if you apply for 48 uh, वैसे ही आइकॉनिक अगर आप फोर्टी एट मंथ्स का लेना चाहते हो तो फोर्टी एट मंथ के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है एटी थ्री थाउजेंड अब एटी थ्री थाउजेंड इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपेरिजन में क्योंकि इसके फीचर्स वैसे है ना आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है इंडिविजुअल सपोर्ट है थ्री सिक्सटी डिग्री सपोर्ट है सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ी सा अमाउंट ज्यादा है तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कपैसिटी इधर यू कैन गो फॉर फोर्टी एट मंथ फोर्टी थाउजेंड या फिर फोर्टी एट मंथ एटी थ्री थाउजेंड आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है सो आई थिंक यू शुड गो फॉर इधर फोर्टी एट मंथ प्लस और इधर आइकॉनिक तो फोर्टी थाउजेंड या फिर थाउजेंड अगर आप क्लास टेंथ के स्टूडेंट है तो आप एक काम कर सकते हैं आप छत्तीस महीने का ले सकते हैं छत्तीस मतलब तीन साल हो जाते हैं दैट इज महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज थर्टी टू थाउजेंड कितना है

क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे मैं अगेन बोल रहा हूँ उतना आपको सस्ता गिरेगा एंड ऊपर से ये क्या करना पड़ता है ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है अब कौन सा कोड तो आप कोड का आप ये कोड ध्यान में रखना दैट इज एस लाइफ टेन अजिंक्य सोलों के एल आई वीई वन जीरो अब ये कोड पे लिखना है आपको देखो आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए आइकॉनिक चाहिए राइट right? मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया ठीक है आइकॉनिक ले लिया और फोर्टी एट मंथ ले रहे हो तो 48 को आपको क्या करना है आइकॉनिक लेना नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा ठीक है मतलब डू हैव अ कोड वगैरह पूछा आपको इसको टैप करना है सबसे पहले आइकॉनिक को कर लिया दैट इज फर्स्ट स्टेप क्या है? इस को आप, कर कर आप, आप, आप जैसे करते हैं ना आपकी जो, जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर वो टेन परसेंट कम होकर आपको दिखाई जाएगी ठीक है तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है तो यहाँ पर कोड लिख देना है ए एस लाइफ टेन अजिंक्य सोन के एल आई वी वन जीरो A -S -L -I -V -E और उसमें space नहीं देना है 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 ठीक में लिखना आपके कोड पे टैप कर दो ये कोड लिख दो आप उसको डन कर दो तो इमीडिएटली आपका टेन परसेंट कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी फिर आप प्लान को ले लो फोर्टी एट मंथ्स को और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स मतलब लाइक like पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट uh, में कर सकते हो नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है ईएमआई की जैसे तो uh, आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं ठीक है सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देर अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं दैट्स अप टू यू आपको कैसे पे करना है बट uh, बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको सस्ता मिले राइट सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट एंड कोड को नहीं भूलना uh, कि आपको कोड कौन सा यूज करना है ए एस लाइफ टेन फॉर टेन परसेंट डिस्काउंट टेन परसेंट डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है कोड दैट इज लाइफ ए एस एल आई वी ई तो टेन परसेंट डिस्काउंट जरूर ले ले सस्ता बना दे अपने प्लान को ऑल योर टू डू इज यूज दस कोड ठीक है तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके राइट right? सो so, वीडियो को लाइक करना है चैनल सब्सक्राइब करना है बेल आइकन जरूर दबाना है उतना तो काम कर ही देना ठीक है चलिए देन ओके तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ठीक है सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड दिस इज आवर बेसिक प्लान और आइकॉनिक मतलब क्या है तुम ऐसे समझ सकते हो प्लस का एडवांस so, क्या है आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर एजाइन किया जाता है दैट इज द बेस्ट थिंग आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन तो ये आपके ऊपर है वेदर यू वॉन्ट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं दैट स्टार तो आपके ऊपर है राइट दिस इज वन ऑफ अर बेसिक प्लांट एंड इसको आइकोनिक हम लोग क्या बोलते हैं थ्री सिक्सटी डिग्री सपोर्ट तो दिस इज थ्री डिग्री थ्री सिक्सटी डिग्री सपोर्ट मतलब लाइक यू नो आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से एक मिनट भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी प्लस so, में क्या क्या फीचर मिलेंगे देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ मैथ्स के लिए ये ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म जाएगी यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना कोई जरूरत नहीं है हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे सेकंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे तो जिसकी वजह से आप आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है आपको नहीं आ रही है तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट uh, कर सकते हैं टीचर्स के साथ एंड यू कैन गेट यूअर लेट से जो भी प्रॉब्लम है कोई टॉपिक्स है समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरलीट से uh, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट एक्सप्लेनेशन पार्ट आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विदीचर्स द्लस सब्सक्रिप्शन अब बात करते हैं live and quizzes. देखो, कैसा है ना पढ़ाने का तरीका अलग होता है देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स है मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर आई एम सींग एजुकेटर्स क्यों इसका फायदा क्या है देखो कैसा होता है जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है राइट साइंस के लिए एक टीचर मैथ्स के लिए एक टीचर तो इसमें वैसा नहीं है इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है मतलब लाइक यू नो बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा तो आप क्या कर सकते हैं आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देर क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथडोलॉजी मतलब like, you know, अलग अलग रहता है एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके राइट नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म जस्ट जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का वो दे try their best to teach like in their own way. लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो मतलब एक मेथड क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक अदर टीचर की हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का इट माइट हैपन तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स है मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स है अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग

Uh, अब पढ़ाई जब हो जाती है मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसके टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है सो दैट्स अ प्रॉब्लम सो वी हैव लाइव टेस्ट लाइक जैसे कि मतलब से भी किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारी क्विज कंडक्ट करते हैं उसका टाइम टेबल यू कैन गो इन टू द्विजे सेक्शन आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट ठीक है आप इसको चेक कर सकते हो किसको लेट्स uh, से जो क्विज है डेली बेसिस पे कि भाई कौन सा क्विज है सपोज उसमें uh, कौन से तो कॉम्बैट एग्जाम के बारे में बता दूं ये इंडिया की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप टेस्ट है कॉम्बैट एग्जाम व्हिच इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बैन अकेडमी ये 27 जून को होगी और सुबह ग्यारह बजे इंग्लिश हिंदी दोनों में एनरोल इसके अंदर करें इस एग्जाम के लिए एंड यूल बी एबल टू विन

Thank you so much.